हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अभी प्रेम मंदिर पर, जो कि मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन में स्थित है। और आपको पता होगा प्रेम मंदिर जो कि श्री कृपालु जी महाराज जी ने बनाया था, तो इस मंदिर का हम आपको पूरा इतिहास आपको बताने वाले हैं और ये पूरा मंदिर आपको घुमाएंगे और इसका इतिहास भी अच्छे तरीके से बताएंगे। तो अभी हम सुबह के टाइम पर पहुँचे हैं, सुबह 8 बजे, और अभी अभी गेट खुला है जो कि प्रेम मंदिर का। तो चलिए हम आपको प्रेम मंदिर अच्छे तरीके से घुमाते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रेम मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो आकार में बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि इस मंदिर को आकार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने वर्ष 2001 में आकार दिया था। यह मंदिर अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वृंदावन का प्रेम मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित इस मंदिर की यात्रा करने के लिए दूर दूर से भक्त यात्रा करने के लिए आते हैं। प्रेम मंदिर के चारों ओर एक से एक सुंदर से सुंदर राधा कृष्ण जी की अद्भुत झांकियां हैं, जो आपको चारों ओर आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों प्रेम मंदिर का इतिहास ज़्यादा वर्ष पुराना नहीं है। आपको बता दें कि इस मंदिर की आधारशिला 14 जनवरी 2001 को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा हजारों भक्तों की उपस्थिति में रखी थी। प्रेम मंदिर जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी अत्याधुनिक शैक्षिक सामाजिक और धर्मार्थ संगठन, इस संगठन की स्थापना स्वयं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि प्रेम मंदिर का निर्माण होने से पहले लगभग 11 से 12 साल का समय लग गया था। वृंदावन का प्रेम मंदिर बेहद भव्य संरचना है, जिसका निर्माण पूरा, और दोस्तों मंदिर के निर्माण करने में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। प्रेम मंदिर का निर्माण राजस्थानी, सोमनाथ, गुजराती स्थापित शैली में किया गया है, जो वृंदावन के बाहरी इलाके में 54 एकड़ की एक साइड पर स्थित है। प्रेम मंदिर को बनाने के लिए इटैलवी और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों प्रेम मंदिर 125 फीट ऊंचा है, 122 फीट लंबा भी है और 115 फीट चौड़ा है। मंदिर के दरवाजे और खिड़कियों पर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है, जो यहां आने वाले लोगों को बेहद आकर्षित करती है। और इसके अलावा दीवारों और फर्श पर रंगीन पत्रों के सजाया गया है, जिन पर कलियों और फूलों के साथ खिलने वाली फूलों की लताओं के चित्र बने हुए हैं। दोस्तों अभी हम आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जूते उतारने होंगे, जूते पैर के अंदर नहीं जा सकते मंदिर में, तो आपको जूते रखने के लिए लॉकर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, तो आप यहाँ पर जूते रख पाएंगे फ्री में लॉकर में। चलिए अभी हम आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे। चलिए देख सकते हैं आप लोग मंदिर का सुंदर सा नज़ारा, ये सुबह का दृश्य है और देखिए बारिश का समय है
और 3 दिन से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, देख सकते हैं। और मौसम भी अब भी गड़बड़ लग रहा है, ये देखिए कल भी पूरे दिन बारिश हुई थी। तो चलिए अभी हम आपको प्रेम मंदिर ले चलेंगे अंदर, फिर हम आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे। वैसे हम आपको बता दें अंदर जो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी हम चुपके से बनाएंगे। और अगर आप लोग प्रेम मंदिर घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप प्रेम मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बना पाएंगे, आप बाहर ही बना सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए हम चलते हैं प्रेम मंदिर के अंदर और आपको दिखाएंगे प्रेम मंदिर अंदर से। प्रेम मंदिर का मजा देखने में काफ़ी रात में आता है, क्योंकि रात में एकदम सुंदर सा दृश्य आपको देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेम मंदिर पर जो कलरफुल लाइटें लगी हुई हैं, जो कि हर 30 सेकंड बाद कलर चेंज होता रहता, तो इसलिए प्रेम मंदिर को देखने का मजा बिल्कुल रात में है। तो हम आपको रात का भी दृश्य दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको प्रेम मंदिर का खुलने का समय बता देता हूँ और कब बंद होता है, कब मंदिर खुलता है। प्रेम मंदिर सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच दर्शनार्थी, आरती और प्रतिमा के लिए मंदिर खुला रहता है, और सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच प्रेम मंदिर भोग के लिए द्वार बंद कर दिए जाते हैं। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक दर्शन के लिए प्रेम मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। जो मंदिर खुलने का समय है वो 8:30 बजे का है, 8 बजे से 12 बजे तक ये मंदिर खुलता है। फिर मंदिर में आप लोग 12 बजे तक आराम से घूम सकते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन दोपहर से 12 बजे से 4:30 बजे बंद रहता है। प्रेम मंदिर में शाम के 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच मंदिर आरती दर्शन होते हैं। शाम 5:30 बजे से 8 बजे के बीच प्रेम मंदिर भोग के लिए द्वार बंद कर दिए जाते हैं। शाम के टाइम पर आप 4:30 बजे मंदिर खोल दिया जाता है, तो आप लोग शाम के टाइम पर 4:30 बजे से 8 बजे तक आप मंदिर में घूम सकते हैं। दोस्तों आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे होंगे जो कि ये रात का दृश्य है। रात के दृश्य में आपको बहुत अच्छा लगेगा घूमने में। प्रेम मंदिर जो देखने का मजा है वो रात को है, क्योंकि रात में सुंदर सी अद्भुत झांकी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कलरफुल लाइटें लगी हुई हैं, क्योंकि हर 30 सेकंड बाद यहाँ पर लाइटों के कलर चेंज होते रहते हैं। इस वजह से जो झांकियाँ हैं वो काफ़ी अद्भुत देखने को लगती हैं, काफ़ी अच्छी अद्भुत झांकियाँ लगती हैं। तो देख सकते हैं प्रेम मंदिर का सुंदर सा दृश्य आप लोग देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रेम मंदिर काफ़ी कलरफुल, आप लोग कभी घूमने आए ना तो प्रेम मंदिर को आप रात में घूमना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको घूमने में। अभी यहाँ पर देखिए बारिश हो चुकी है, इस वजह से ये बारिश का दृश्य है, देखिए सुंदर से सुंदर अद्भुत झांकियाँ। Oh, my God.
लो। प्रेम मंदिर में हर साल जन्माष्टमी और राधाष्टमी त्योहारों को बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस खास मौके पर देश के विभिन्न शहरों से भक्त मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं और मंदिर में होने वाले इन पवित्र समारोह में भाग लेते हैं। अगर दोस्तों आप प्रेम मंदिर घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ की यात्रा हवाई सड़क और ट्रेन मार्ग द्वारा की जा सकती है। प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है, जहाँ का निकटतम हवाई अड्डा आगरा में है, जो मंदिर से 80 किलोमीटर दूर है। प्रेम मंदिर तक पहुँचने के लिए हवाई अड्डे से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से प्रेम मंदिर के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा रेल जंक्शन है, जहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी, बस या ऑटो से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है।